माननीय सभापति महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर अभिभाषण 19 जनवरी 2024 को कराया गया, मैं केवल उसके ऊपर अपनी बात केंद्रित रखूंगा और मैं सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा करता हूँ और मेरे दल से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि कोई ऐसी बात आए जिस पे टोकना जरूरी हो उसी पे टोका जाए, चाहे हम लोग हों चाहे ये लोग हों, वरना इस राजस्थान की विधानसभा की चर्चा का कोई महत्व नहीं रहेगा। सुधार लो तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं। आप बोलिए माननीय सदस्य। मैं महामहिम से जिस प्रकार से 83 पैरों का जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सभापति महोदय पहली दफा 83 के 83 पॉइंट राजस्थान की नव निर्वाचित सरकार के विजन के नहीं होकर के और केवल पिछली सरकार के ऊपर छींटाकशी, उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचारी बताना, उनकी प्रत्येक योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के सिरमुख से इस प्रकार से कहलवाना, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा गलत परंपरा इस राजस्थान की आज तक न हुई है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी नहीं होगी। आप देखिए सर, बेहद निराशा और बिल्कुल ऐसे पढ़वाया गया महामहिम से कि उनकी जो गरिमा है उसको भी राजस्थान की सरकार की जो कैबिनेट ने जो अप्रूव करके दिया उसमें उनकी गरिमा को तार तार करने का काम किया है। ये भविष्य में नहीं करें तो अच्छा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके सामने 17 जनवरी 2019 जो पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी तब का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है सर, और उसमें एक भी पैरे में कहीं भी पिछली 5 साल की सरकार की किसी भी योजना के बारे में या इस तरीके के अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की सरकार का पहला जो अभिभाषण जो कैबिनेट ने पास कराया उसका मकसद ये होता है कि हमारी सरकार का ये विजन है, अब हम ये करेंगे, ये ठीक नहीं था, इसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभिभाषण आया है सर, पढ़कर के दुनिया हंस रही है सर हम के ऊपर कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, वो गलत है। या थोड़ी बहुत तो गरिमा बचा के आपको रखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि आपका विजन नहीं हो सकता, ये दिल्ली से बैठे हुए लोगों ने आपको भेजा, आपके कैबिनेट ने उसको देखा नहीं, अपने मुख्यमंत्री ने उसको देखा नहीं और आनंद फानंद में ला करके और जितनी गालियां आप दे सकते थे वो गालियां आपने देने का काम किया। आप देखिए सर, पैरा संख्या 5 परस्पर अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं, खींचातानी की बात कर रहे हैं। पैरा 12 में नीतिगत निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम सबकी समीक्षा करेंगे। 13 में अविवेकपूर्ण नीतियाँ, अदूरदर्शी निर्णय, आर्थिक कुबंधन की बात कर रहे हैं। फिर आप 14 में आप कह रहे हैं कि 5,79,781 करोड़ का ऋण भार है, उसकी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 15 नंबर में कि प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था हो गई। आप 450 सिलेंडर की 23 नंबर में बात कर रहे हैं। आप 27 नंबर में किसानों के कर्जे माफ की बात कर रहे हैं और 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीन की कुर्क की बात कर रहे हैं। आप 13 जिलों की ERCP की 29 और 30 नंबर के पैरे में बात कर रहे हैं। आप 31 नंबर के पैरे में पेपर लीक की बात कर रहे हैं। आप 32 नंबर में SIT और के गठन और आगे से परीक्षाओं के लिए CS और DGP को जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने एक से एक पैरे में कहीं भी एक कमी नहीं छोड़ी गाड़ी निकालने में कि इस राजस्थान की सरकार में 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ, ये कहलवाने का काम किया। अपराध मुक्त राजस्थान और डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं। 5 वर्षों में प्रदेश का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। CBI के अनुसंधान की भी बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न की आप 39 नंबर में बात कर रहे हैं। आप बिना कार्ययोजना बिना बजट की बात करके 50 नंबर में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जी के नाम थी उसकी बंद की बात कर रहे हैं आप, और 52 नंबर में आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन पशु बीमा योजना की बात कर रहे हैं।
आप नंदीशाला की बात कर रहे हैं, आप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, आप राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं था। आप आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देने के नाम पर भी आपको एतराज़ है 58 नंबर पैरे में। मैं कहना चाहता हूँ, सुनने का मादा रखिए, आराम से सुनिए। अगर एक बात भी गलत बोलूँ तो आप उसका माननीय सभापति महोदय आप टोक दीजिए या संसदीय कार्य मंत्री ऑब्जेक्शन करेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन बात सुनिए। ये राजस्थान की विधानसभा में करोड़ों लोगों ने अपना जनादेश दे करके हमको यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों की बात करने के लिए भेजा है, न कि यहाँ पर इस तरीके से छींटाकशी करके। आपके माननीय दो सदस्यों ने, माननीय अनीता बघेल जी ने बात रखी अपनी, अभिभाषण का इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने अनुमोदन किया। आप बताइए क्या तैयारी थी, क्या तैयारी थी, क्या मुद्दे थे? कोई मुद्दे नहीं थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल परसों प्रभु श्री राम के उदाहरण देकर के कहा कि एक गिलहरी का भी योगदान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गिलहरी के योगदान को भी आप महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और आप 5 साल में जितनी योजनाएं चली, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव चली, ओपीएस हुआ, चाहे ये जो महंगाई रोजगार गारंटी योजना, ये महंगाई के लिए जो कैंप लगे महंगाई कम करने के लिए, और कितनी योजनाएं दुनिया भर की योजनाएं हुई, उसका आपको कोई मतलब नहीं, कोई इलम नहीं। आप एक आदि के लिए ठीक कहते, एक आदि का ठीक करते, एक आदि को ठीक करने के काम कहते। अर्थव्यवस्था चौपट बता दिया आपने, मैं सुनने के मादा रखिए कि 5 साल में आर्थिक आपातकाल बता दिया। हमारी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो मैं पूछना चाहता हूँ, 31 मार्च 2000 को यूपीए की सरकार थी तो भारत सरकार का कर्ज 55,87,000 करोड़ रुपये था, लेकिन आज हमारी वित्त मंत्री 31 मार्च 2023 को कहती हैं कि 152,61,000 करोड़ पे, यानी 3 गुना कर्ज भारत सरकार पे बढ़ गया है। ये कर्ज लेते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे भारत सरकार हो, लेकिन हम उनके नियमों का, रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं होता तो हम कर्ज नहीं ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे 2023-24 के बजट अनुमानों में राजकीय घाटा फिस्कल डिस्पिशियट राशि रुपये 62,772 करोड़ रुपये अनुमानित थी, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% था, ये अनुमत सीमा से कम है। आपकी सरकार ने इसमें लगवाया कि साहब जो विद्युत के लिए कंपनियों के लिए हमने ये किया था वो किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। FRBM एक्ट में 2025-26 में GSDP के 38.2% डेप्ट और लाइबिलिटी के प्रावधान को हमने 2020-21 में प्राप्त कर लिया और 37.99 रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रबंधन अच्छा था। मैं तीसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी के बदौलत, अच्छे आर्थिक प्रबंधन के बदौलत ही हमारी जो आर्थिक विकास दर है देश में दूसरे स्थान पर 11.04% है। इस बात को भूल नहीं सकते आप, हर चीज गलत नहीं बता सकते। हो सकता है आपके एंगल से कोई चीज ठीक नहीं है तो आप ठीक बात कीजिए, उसको ठीक करने का काम कीजिए। आपको मौका दिया ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, आप ठीक कीजिए। लेकिन अगर हम कोई मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो आप अच्छा तू अच्छा मैं अच्छा तू अच्छा हू हा करके हम हमारा समय बर्बाद कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी पूर्व सरकार का डिस्कल डेफिशिएट 2012-13 में 1.73% जा, वो भारत सरकार के समय 2015-16 में 9.25% था। हमने कोरोना की विभीषिका को रहते हुए वर्ष 2021-22 इसे 3.96% रखा। ये हमारी उपलब्धि है, राजस्थान की उपलब्धि है, केवल कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, प्रदेश की उपलब्धि है। और किसी भी सरकार को अच्छे चलाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल रहता है, कोई एक का रोल नहीं रहता है। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई, अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका, राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। तो जो कार्य योजना बनेगी वो कब लागू होगी, ये मैं आपके माध्यम से
सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं, आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए, क्या आपने दाम कम कर दिए? क्या आपने पिछले कार्यकाल में बीजेपी का जब कार्यकाल था 50,000 के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, और आज क्या स्थिति है? हमने आपका पैसा चुकाया, 2,000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए, और हमने 6,000 करोड़ वो चुकाया, और फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया, और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, और आपके कृषि मंत्री ने एक ब्राजे हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे, हमने संपूर्ण कर्जा की कभी बात नहीं की, संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है, अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक है सर, मैं मान गया, मैं मान गया सर, सभापति महोदय मैं मान गया, माननीय सदस्य, सभापति महोदय माननीय सदस्य, मैं मान गया, माननीय सदस्य ब्राजे मैं मान गया, इन्होंने कभी भी, इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की, मैं मान गया सर, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है, लेकिन आपके आपके कर दिया हमने, जितना कर्जा माफ का कहा उतना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूँ, आपके तकलीफ हो रही है तो मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूँ, मेरे भाई, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, वो मेरे लिए जवाब पर्याप्त है कि इन्होंने कभी माफ की नहीं की, ये कृषि मंत्री भी कह चुके, अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लो भैया, वही गोविंद डोटासरा है, आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है, ये इधर भी 70 है मेरे भाई, स्थान पर बैठे बैठे ना बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है, अरे भाई कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत भी, आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, खैर कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, भाई 33 जिलों में तो खुल गए, हमने 50 जिले बना दिए, आप इन बाकी के 33 में से 17 जिलों में 19 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज खोलोगे तो हम जानेंगे 33 में आपका क्या रोल है, आपने कर दिया, केंद्र सरकार का हिस्सा था, आ गया, बैठ जा भैया बैठ जा, आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम, फिर देखिए सर गोविंद जी, ये तो मत कहना हो आप, ये मंत्री को मत को, फिर हमारे सदस्य कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता तो आपको बनना था और जुली साहब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते, हमारी क्या गलती है इसमें, मैं अगली बार बन जाएंगे आप राज्य मंत्री महोदय, ये मेरे हमारे नेता प्रतिपक्ष मेरे से ज्यादा आपको घेर के रखेंगे, लाइन पे रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, अगली बार बन जाएंगे आप, शांति से बुराई। अब देखिए सर, आपने नंदीशालाओं की बात की, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 3 से 6 महीने नंदीशालाओं में अनुदान देते थे, हमने 9 महीने का किया और फिर बाद में 12 महीने का कर दिया, आपके पास में वोट लेने के अलावा गोमाता का नाम, यार क्या है ये, क्या तमाशा है, बैठ जाता हूँ, क्या है ये, क्या है सभापति जी, ऐसे मान्य सदस्य बैठिए, सभापति जी ऐसे तो बात नहीं हो पाई, मछली बाजार बना, आप बिराजे मान्य सदस्य, अगर आप भी बिराजे, आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, बात कहते हैं आपके वरिष्ठ नेता खड़े हुए और आप लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना, आप तो बिराजे, सभापति महोदय आप समझ लो, संसदीय कार्य मंत्री जी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में, लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल दे, आप लोटा हो गया। हाँ अरे आप ब्राजी माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आपने हमारे, आप ब्राजी मंत्री महोदय बोल रहे हैं,
या तो उनको बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए, आप रहिए और स्थान पे बैठ के मत बोले कृपया। आपने हमारी इंदिरा रसोई की भी, 1000 इंदिरा रसोई की भी बुराई कर दी। अरे हमने देखा था बीजेपी के कार्यकाल में, जब खड़े खड़े कूपन से गंदगी में खड़े खड़े लोग खाना खाते थे, अगर हमने भरपेट बैठा करके सफाई में अगर 1000 जगह पर लोगों को भरपेट खाना अगर खिलवाया है, तो आपको इसका भी धन्यवाद देने में कंजूसी कर दी आपने, तो ये भी बड़ा जोरदार काम है। आप राजे राजे भाड़े सदस्य, आप राजे 4 साल आप पधारो। आपकी पिछली सरकार में, बीजेपी के सरकार में 4 साल में 143 करोड़ रुपए गौशालाओं को, नंदीशालाओं को अनुदान दिया गया। हमने 3000 करोड़ दिया। हिंगोनिया में क्या हुआ था आपने देखा, कितनी गायें मरी थी। कल परसों कोटा में कितनी गायें मरी है, 100 से अधिक गायें मर गई। आप गोमाता के नाम से वोट की फसल काटना चाहते हो, गोमाता का भला नहीं करना चाहते। दूसरा आप देखिए सर, नए नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का जो इलाज था उसको भी आपने नहीं बख्शा, उसको भी फर्जी और बोगस योजना बता दिया। आपने कह दिया कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय सदन के माध्यम से कि मंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए, 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना में हुए थे। हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज जो लाखों करोड़ रुपए में होते हैं, वो हमारी सरकार ने कराया था। इसका तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। अब बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा आप में से, एक आदमी बुराइए। माननीय सदस्य बुराइए। 45 लाख बुराइए। माननीय सदस्य सभापति महोदय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 45 लाख से अधिक परिवारों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज हुआ है। ये जनता का इलाज है, बीजेपी कांग्रेस का इलाज नहीं है। आयुष्मान योजना में तो केवल 69 लाख परिवार कवर होते, 5 लाख रुपए थी उसके लिए भी आप गुणगान कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। राइट टू हेल्थ, आपने राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर दिया, ये भी गलत हो गया। राइट, बैठ जाओ। फिर आप राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी है, उसकी भी बात आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो भी आपका अच्छा नहीं लगा आपको। फिर आपको जो है वो शहरों में मनरेगा की तर्ज के ऊपर जो हमने रोजगार की गारंटी 125 दिन की दी, वो भी आपको अच्छी नहीं लगी। आपने OPS भी अच्छी नहीं लगी, आपको RGHS भी अच्छी नहीं लगी, आपको तो कुछ भी नहीं लगा। आपको तो केवल मोदी जी का नाम जपना है, भाई जपो, हमें कहाँ तकलीफ है। मैं 3 लाख नौकरियां, माननीय सभापति महोदय 3 लाख नौकरियों की व्यवस्था की थी आपने इस अपने अभिभाषण में, महामहिम से एक बेरोजगार को नौकरी देने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। उड़ान योजना महिलाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई है, बीमारी उनकी रुकी है, उसके भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जल जीवन मिशन में 10% जो जनता को देना था राज्य सरकार दे रही है, वो भी आपके तकलीफ हो रही है। आप 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए करीब 50 रुपये दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों को ये वाई वाई लूटना चाहते हो, ये कहाँ की बात है। 500 रुपये में हम देते थे, आपने 450 में किया। दायरा बढ़ाया हो तो बताओ, दायरा बढ़ाया नहीं। हमने कहा था 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, हम 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, ठीक है हम नहीं आए, आप आ गए, आप दायरा बढ़ाइए। और गोवंश लंपी में मर गई, केंद्र सरकार आंख मीच के सो रहा था जब हमने 40-40 हजार रुपए दिए, 42 हजार किसानों को 150 करोड़ रुपए की सहायता दी। आप में हिम्मत थी देश के प्रधानमंत्री को, लंपी के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, आज तक नहीं कर पाए। आप करते कुछ नहीं हो, केवल मोदी के नाम से कितने दिन वोट बटोरोगे, इसलिए सोचना पड़ेगा। मानिए अब 40 हजार रुपये काम देनू 2 पशुओं की दुधारू की, आपने जवाब दिया आज 100 कुछ थे, 80 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है, आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो, उन पशुओं का वेरिफिकेशन करवा करके आप उनको 40 हजार रुपये देगोगे नहीं देगोगे एक पशु के ऊपर, ये आपका विजन आना चाहिए था, ये आपका विजन नहीं आया। आपने देखा कि 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दे रहे थे, 25 लाख दे दिए, आपने दूसरी बात नहीं की। अब मैं कहना चाहता हूँ राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी
500 बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं पूरे खर्चे के ऊपर, आपको इसमें भी तकलीफ हो गई, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गोलमाल रखना चाहते हो लोकसभा के चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे, और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे देखते हैं भाई, एक दिन भुलवाओ तो सही कैसे बोलते हैं, ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत, जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, आप इससे और ज्यादा 21 काम कीजिए, अच्छा कीजिए, 5 साल हमारे जो काम किए हुए हैं उनका फित्ता काटने में भी आपको समय लग जाएगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक मिनट देखो जोगाराम जी भाईचारा निभाओ, सवाल यही है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, अपराध रुक गए क्या? 7 साल के मासूम के साथ मैं बताऊं आपको क्या हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप, घर से दूध देने निकली 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये बीकानेर की घटना है। आप रावत बाटा की घटना ले लीजिए, 20 लड़कियों का अश्लील वीडियो, आप जयपुर की घटना लीजिए, बाइक सवार बदमाशों को महिला से मोबाइल, हनुमानगढ़ में पिस्तौल दिखाकर किशोरी को उठा के गैंग रेप, आप नसीराबाद की घटना को ले लीजिए, पुलिस की मारपीट से युवक की मौत, और आप दूसरी घटना को ले लीजिए, चित्तौड़ की घटना को ले लीजिए, मौत के बाद दिन बाद मोबाइल से खुला सामूहिक बलात्कार कर रहा, लाइसेंस से अजमेर की घटना को ले लीजिए। मैं एक बात पर नहीं जाना था, मैं ये कहना चाहता हूँ अपराध न आप रोक पाए न हम रोक पाए न कोई दूसरा रोक पाएगा, लेकिन एक भय होना चाहिए सरकार का, वो भय अगर आप कायम कर दोगे तो अपराधी डरने लगेंगे। पहले हमने राज देखा था, यहाँ से गृह मंत्री जी बोलते थे, आज महामहिम राज्यपाल बन गए कि मैं खुद ही अपराधी का नाम ले लेते थे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके की स्थिति मत कीजिए, ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूँ ये पर्ची से इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवाड़ी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है राजस्थान की जनता की दी हुई आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो, लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने जितनी नहीं दिया थी, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, आपके मंत्री, इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्न काल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। मान्य है अपना, मैं मानता हूं अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहता हूं कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने वो नहीं, यही लाइन आपने लिए क्या? अब आप देखो सर, आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी आपने बहुत जोरदार काम किया, आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए, और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे हिकों पे कुटाराघात किया, आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहाँ शपथ ली राज्यपाल के और मौर्या बोल गया, क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं आप। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। हाँ। कोई बता दो संवैधानिक व्यवस्था हो तो, संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं जनता ने मैंडेट दिया है हम स्वीकार करते हैं, और आप स्वीकार करो कि जनता ने आपको तिरस्कार कर दिया। अगर आपकी योजना इतना बढ़िया थी, इतनी आप योजना थी, तो इतने में कैसे सिमट गए, विचार करो। देश के प्रधानमंत्री ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्या बोलने से क्या होता है, क्या होता है मौर्या बोलना,
नाती के बारे में मौर्या को बंद कर दिया जाता है तो वो बोलता है, उसको कहते मौर्या बोलना। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में, पांच मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप बताइए, हमारे पांच मिनट है आपके पास, पांच मिनट अपनी बात हमारे कीजिए। हमारे हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व दो बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे, ये अंतर्कलह है? किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्कलह नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही है, ये अंतर्कलह नहीं है? प्रदेश के अध्यक्ष को किस शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए, एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो सब बोलो। वो सब वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी विराजे, माननीय सदस्य, माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आ जाए। राज्यपाल आप विराजे, आप माननीय महामहिम के अभिभाषण पे रुक जाइए, आप हमारा समय, आप चिंता ना करें, मैं बैठ जाऊंगा। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मूछा ऐसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग? 100 दिन 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे, आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लॉज हुई, आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से एक पे पेंडिंग है वो हाईकोर्ट के एलडीसी का पेपर है, उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो पेपर लीक, आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो, ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर जाए जितने भेज लो, आप क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो? पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके, कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ, हर बात में नहीं, हर बात इनको माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को, 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए, इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको, ये यहाँ केवल और केवल, ये केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं, माननीय सभापति महोदय, इनके अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना, आप विराजे, आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, आपके ऐसे नहीं है, किस बात की कार्य योजना बनाओगे, क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, माननीय अभिभाषण पर बोले आप आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं, आपका समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में कंक्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे, कल एक आईएएस पकड़ा गया, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलोगे आप, आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप एसआईटी की बात कर रहे हो, जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है तो एसआईटी क्या करेगी भाई, जांच किसकी करेगी एसआईटी को? अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ, और सीबीआई को दो, दे दो सीबीआई को, कौन मना कर रहा तुमको? मैं बात
इतना ही कहना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है, इनको तीन काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है, इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आ गए, राम जी आ गए, आपके अकेले के हैं क्या राम जी? गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आप ऐसे कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, सुना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने? सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंगे विभाग नहीं दिए अच्छे आदमियों को, ढंगे विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे जोगाराम, जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया। माननीय शांति से अपना विषय राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले क्या क्या बोले थे वो मैं सबके लिए, उनको भी थोड़ा व्यवस्था सबके लिए, आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोली, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतरकला की बातें करते हैं, किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी, आप दे दो, कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके, क्या है? अरे भाई, एक कोई भी सदस्य बोल रहे हो कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा ना, राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहां, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना आप भग जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप विषय कंक्लूड करिए, साफ बताओ। माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते, हमारा ऐतराज है इस पे। अरे अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजो, आप सभा स्पीकर साहब एक काम करवा दो, एक मिनट इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन्हें एमएलए को, ए भैया बीच में नहीं। अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करवा, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है सर। सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। एमएलए मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हमारा चपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर, माननीय मुख्यमंत्री का सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे दो मिनट में कंक्लूड करता हूँ, इस राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलए को डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर के कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए? ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, सुबह उठा तेरी छली क्या, तेरी छली क्या, सांगा नेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद विराजे, क्या बात कर रहे हो अब राजे? माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, का फैसला नहीं होने वाला है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे अब माननीय, अब हो गया, आप बोलो बोलो आप बोलो। राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के भाषण में के बारे में बोलना चाहूंगा। चलो आखिरी एक मिनट में करिए आप, 39 हो गए 40 पे करिए, एक सेकंड माननीय सदस्य, एक सेकंड वो बैठने के लिए, अरे बैठने के लिए कहने सर सर एक मिनट में एक मिनट एक घड़ी देख रहा हूँ एक। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त हो गई इनकी। क्या एक मिनट में बात में बोल रहे, मैं गलत बोलूं तो हटा देना, मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके दोनों ने बोला एक ने नाम नहीं लिया, मोदी जी क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री है आप, प्रधानमंत्री की बात कीजिए। डोटासरा जी अब आप बहुत, अरे डोटासरा जी आपसे अलग हो गया अब अगली बार, अरे और आएगा मौका। अब राजा आप देखो बहुत अच्छे, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, पुकार लिया मान्य, आप बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैं आपके लिए के बारे में बोलना चाहूंगा। अब अगली बार अब बहुत सज्जन, पहले दो बार एक एक मिनट महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण 2019 आपका भाषण अच्छा हो गया, जनवरी 2024 को सदन में पेश हुआ, आपकी बात सुनूंगा। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने मेरे को कह देना जो कहना है। सबसे पहले ये बात कही गोविंद जी, डोटासरा जी आपके कर काम ने 5 साल हमने देखा है, हमने जेला है, पेपर आउट को लेकर के, खनन माफियों को लेकर के, भू माफियों को लेकर के जेला है, थोड़ी बात हमारी भी सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय ने विकसित राजस्थान में विकसित भारत 2047 को सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही है। इस भाषण में मैं यह भी कहना चाहूँगा के परिवर्तन यात्रा जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान, ये कांग्रेस के काले कारनामों में सारी बात उजागर कही है। इन्होंने पिछले इनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, ये तीसरा है चौथा दूसरा कौन है, जितना महिला का चार अत्याचार हुआ, पहला झूठा सा क्यों, कहीं पानी का घपला हुआ, कहीं ऑफिस में सोना मिल रहा है, सारी बोलेंगे आज।